Hello everyone and welcome to another lecture of political science. Today we will be picking up our next ideology, which is of anarchism, and we shall be looking at its main ideal. And again, jo jo iski main branches hai, un sabko hum ek baar dekhenge. Right? I hope aap log chapters padh rahe hain. Also, hum log after the ideologies get over, actually after this 10-day schedule, hum log ek do classes, ek लेक्चर ऐसे रख सकते हैं जिसके अंदर आई कैन पुट अप क्वेश्चंस ऑफ द वेरियस टॉपिक्स जिसके जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मे बी 5 or 10 क्वेश्चंस. ठीक है, एंड अगर आप लोग चाहें आप लोग हमको अपने आंसर्स मेल कर सकते हैं एंड या फिर कमेंट्स में भी अपने आंसर्स लिख सकते हैं एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. राइट, मे बी वी विल स्टार्ट विथ 5 questions एंड देन सी हाउ इट गोज. ठीक है, तो आप मुझे ये बता सकते हैं इन द कमेंट्स बिलो कि हम ये 10 डेज के शेड्यूल के बाद वो 5 answers करें, या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये है बट उसके साथ शेड्यूल हिल जाएगा, इसलिए आई विल नीड सम ओपिनियन ऑन दैट कि अब जैसे आइडियोलॉजीज़ ख़त्म हो रही हैं. ठीक है, आज तो कल इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद स्टेट शुड वी टेक should we do a small presentation maybe on 5 answers. In fact, हाँ ये हो सकता है कि कल आई कैन पुट द आंसर्स एंड देन पुट अप द क्वेश्चंस. यू गाइज कैन सेंड इन द आंसर्स एंड द स्टेट का थिंग ऑल्सो कैन बी पुट अप, दैट शुडंट बी एन इशू. बट देन इफ यू सेंड इन योर आंसर्स इधर कमेंट्स में आप नीचे डाल दीजिए एंड इट विल टेक मी 2-3 days and then I can put up say structures of model answers etc. Right, so let me know if you guys want questions tomorrow, because if not tomorrow then day after, I think day after should be better of the ideologies. ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि एक अगर एक बार आप भी पढ़ लीजिए ideologies जाके, एक ही तो ये प्रेजेंटेशन देख लेंगे आप साथ ही साथ में, एक बार जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं कंसर्न. एंड कल इनफैक्ट आई कैन आई विल पुट अप ऑल द पीडीएफ, मतलब जितना भी इनके अंदर रिटन मैटर है उन सबको पीडीएफ में कन्वर्ट करके गूगल ड्राइव का वो आपको लिंक भेज देंगे, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स मेक इट फॉर डे आफ्टर टुमारो द क्वेश्चंस. ठीक है, तो आप वो क्वेश्चंस फिर देख के आप अपने आंसर्स लिख के हमको भेज सकते हैं. ठीक है, सो वी विल डू दैट एंड वी कैन ऑल्सो हैव अ डिस्कशन ऑन दोज आंसर्स. ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका अनार्किज्म. राइट, अब अनार्किज्म एज अ थ्योरी जो है, यूजुअली जब हम वर्ड इंग्लिश वर्ड अनार्की पढ़ते हैं उसको यूजुअली एक बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ किया जाता है. अनार्की का मतलब डिसऑर्डर या केओस से माना जाता है. ठीक है, तो यूजुअली एक थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन हमेशा अनार्की के साथ जुड़ा हुआ है. बट जो आइडियोलॉजी ऑफ अनार्किज्म है वो एक्चुअली पेसिमिस्टिक नहीं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमंस लेती है. ठीक है, तो इसलिए आप अगर अनार्किज्म पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझिए कि इसका मतलब है कि एकदम ही सोसाइटी विल बी इन डिसऑर्डर केओस, जिसको जो करना है मनमानी करो, ये करो वो करो, एंड एकदम ही एवरीवन किलिंग हिमसेल्फ, ये सब होगा. ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है. तो जो पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनार्किज्म है उससे थोड़ा सा हटके. ठीक है, अब ग्रीक टाइम से ही जब भी अनार्किज्म की बात हुई है तो इसको हमेशा समझते थे एज द आइडिया ऑफ लिविंग विदाउट रूल. बेसिकली ऊपर से किसी का दबाव नहीं है, ऊपर से कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि आपको बता रहा है कैसे जीना है. मॉडर्न अनार्किस्ट आइडियाज़ को आप यूजुअली विलियम गुडविन, जो कि ऑल्सो आपने जो फेमिनिज्म लिबरल फेमिनिस्ट और फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट पढ़ी थी, मेरी वोलस्टोन क्राफ्ट, उनके पति थे विलियम गुडविन. ठीक है, वो एंड पीजे प्रोडॉन, राइट, इन दोनों के साथ एसोसिएट किया जाता है. अब जो अनार्किस्ट मूवमेंट है, अनार्किज्म है, यूजुअली जब वो 19th century में डेवलप हुई, इसका वर्कर्स मूवमेंट के साथ एक काफ़ी पुराना एसोसिएशन था. इनफैक्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइज हुई थी उसमें अनार्किज्म एंड मार्क्सिज्म, अनार्किस्ट एंड मार्क्सिस्ट इकट्ठे थे, बट देन दे स्प्लिट बिकॉज ऑफ द इंटायर डिबेट रिगार्डिंग द लीड अप टू
कम्युनिस्ट सोसाइटी, मतलब जो एक बीच में स्टेप आता था डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट, उसके कारण काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी इन दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट में, बिकॉज अनाकिस किसी भी टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप के साथ अग्री नहीं कर रहे थे, राइट? तो उसके कारण उनका स्प्लिट हो गया था, राइट? इसके साथ ही एक सिंडिकलिज्म का आइडिया डेवलप हुआ, जिसको आप रेवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियनिज्म से एसोसिएट करते हैं. फ्रांस, इटली, स्पेन में बहुत पॉपुलर हुआ, आगे चल के लैटिन अमेरिका में सिंडिकलिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है? अब अनार्किज्म जो है, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, बट इसके जो अपील है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रही है. और इस कारण रिस्ट्रिक्टेड रही है क्योंकि इसके जो दोनों ही जो ये गोल सोचता है और जिस तरह के मीन्स अडॉप्ट करने की बात करता है, दोनों ही थोड़े यूटोपियन हैं, ठीक है? अब इनका गोल क्या है कि आपने स्टेट को ओवरथ्रो कर देना है, और स्टेट ही नहीं, किसी भी तरह की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसके साथ ये अग्री नहीं करते. तो अब द आइडिया ऑफ हैविंग अ मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी जहाँ पे किसी भी तरह की पॉलिटिकल अथॉरिटी ना हो, ये ऑलमोस्ट फिंटास्टिकल साउंड करता है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है. ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह की एक सोसाइटी बन सकती है, ठीक है? अब साथ ही में ये भी माना जाता है कि इवन दो ये ऑलमोस्ट फंटेस्टिकल थ्योरी लगती है, अनार्किस की अभी भी अपील अमंग द मासेस काफ़ी रहती है, एंड मूवमेंट्स के तौर पे अनार्किज्म की अभी भी काफ़ी डिमांड है, स्पेशली जो यूथ है उनके अंदर, राइट? एंड अभी भी जो काफ़ी एंटी कैपिटलिस्ट एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स चली है, स्पेशली अगर आप लैटिन अमेरिका का एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल जैप्टस्टाज मूवमेंट एंड ये सब, ठीक है, इसके अंदर अनार्किज्म का काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, ठीक है? अब मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करेंगे कि लाइक अदर आइडियोलॉजीज, अनार्किज्म के भी बहुत ब्रांचेस हैं, बहुत तरह के सब टाइप्स हैं, बट अगेन कुछ कई सेंट्रल आइडियाज़ हैं जो कि अनार्किज्म को अनार्किज्म में फिट बैठते हैं, राइट? तो ये कौन से सेंट्रल थीम्स या सेंट्रल आइडियाज़ हैं? पहला सेंट्रल आइडिया है द आइडिया ऑफ एंटी स्टेटिज्म, या कि स्टेट के अगेंस्ट एक स्टेप एक स्टैंड लेना कि स्टेट हमें मंजूर नहीं है, ठीक है? तो फॉर इन हिज इंसाइक्लोपीडिया अनार्किस्ट बोलते हैं कि अनार्किज्म को अगर आपको समझना है, एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ अनार्किज्म इज़ द निगेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी. निगेशन का क्या मतलब है? किसी चीज़ को ख़त्म करना. तो अगर जो आइडिया ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी जो आप मानते हैं उस चीज़ की ऑपोजिशन में आता है, उस चीज़ का एंटी थीसिस है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, ठीक है? अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ये ऑलमोस्ट अनार्किज्म का इनफैक्ट कोर सबसे बड़ा यही है कि अनार्किज्म फंडामेंटली अपोज करता है टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट, ठीक है? और स्टेट के साथ जितनी भी आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्गन्स हो या लॉ हो, ये इन सभी के अगेंस्ट है. तो किसी भी तरह की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, अनार्किज्म उसके अगेंस्ट है. अनार्किस्ट प्रेफर करते हैं एक स्टेटलेस सोसाइटी जहाँ पे जो फ्री इंडिविजुअल्स हैं वो वॉलंटरी अग्रीमेंट के थ्रू एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके आगे बढ़े, ठीक है? तो अब बेसिकली आइडिया क्या है कि जो अनार्किज्म है, दे टेक अप अ वेरी पॉजिटिव व्यू ऑफ द ह्यूमन नेचर, ठीक है? अकॉर्डिंगली जो ह्यूमन इनके अकॉर्डिंगली जो ह्यूमंस हैं वो फ्री एंड ऑटोनॉमस क्रीचर्स हैं, एंड साथ ही साथ में मॉरल क्रीचर्स हैं, ठीक है? तो ये इनहेरेंटली अच्छे लोग हैं, मॉरल रोग है लोग हैं, ठीक है? ये बुरे नहीं हैं क्रीचर्स, राइट? तो इनको पता है कि किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए. तो इसीलिए जब भी इनफैक्ट वो बोलते हैं कि जब तुम फ्री इंडिविजुअल्स को देखते हो, वो फ्री इंडिविजुअल्स एथिकल और मॉरल होते हैं, और एक लॉ या गवर्नमेंट के अंडर आने के बाद ये करप्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये बोलते हैं कि अगर आप इन इंडिविजुअल्स को, इन ह्यूमंस को किसी भी अथॉरिटी के अंडर पुश कर देते हैं, तो इनकी एक जो ये मॉरल कंपस है, एक मॉरल अथॉरिटी अपने ऊपर होती है, वो डिमिनिश हो जाती है, और एक ये जो इसेंशियल ह्यूमन नेचर होती है ऑफ मेकिंग डिसीजंस फॉर वन सेल्फ, वो ख़त्म कर देते हो, ठीक है? और जब ये नेचर ख़त्म हो गई, तो जो ह्यूमंस हैं वो फ्रॉम बीइंग ऑटोनॉमस क्रीचर्स वो बहुत ही डिपेंडेंट क्रीचर्स बन जाते हैं. साथ ही साथ में अब अनार्किस्ट जो हैं, दे आर स्पेशली अगेंस्ट
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. तो जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो हॉब्स और लॉक ने दी है, ये इसके सख्त खिलाफ है. ये इसको बिल्कुल नहीं मानते कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है कि ह्यूमंस वॉलंटरिली किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे जहाँ पे वो अपनी ऑटोनॉमी गिव अप करके किसी और पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंडर आ जाएंगे या स्टेट अथॉरिटी के अंडर आ जाएंगे. इसके अगेंस्ट वो बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं ये तब सब्जेक्ट बनते हैं टू द स्टेट अथॉरिटी, ठीक है, जब वो या तो किसी स्टेट के अंदर पैदा हो जाते हैं या अगर वो फ्री ट्राइब्स या कुछ हैं, बेसिकली नोमैड्स है फॉर एग्जांपल या कुछ भी है, बेसिकली सम अदर स्टेट कम्स एंड कॉन्कर्स देम, तो इसके कारण वो स्टेट के अंदर आ जाते. तो वो बोलते कभी भी कोई भी वॉलंटरी अग्रीमेंट नहीं होगा जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपनी फ्रीडम गिव अप करके ऐसे किसी स्टेट जैसे इंस्टीट्यूशन के अंडर रहेंगे. अब उनका कहना है कि जो स्टेट है वो एक बहुत ही कोअर्सिव बॉडी है. कोअर्शन का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ फोर्सफुली कराना, ठीक है. और इसके जो लॉज हैं वो इसलिए बेसिकली ओबे होते हैं क्योंकि दे आर बैक्ड बाय द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, ठीक है. तो ये जो पनिशमेंट है, ये जो कंटिन्यूस एक थ्रेट है स्टेट की तरफ से, उसके कारण ही स्टेट के लॉज अबाइड होते हैं, नॉट बिकॉज ह्यूमंस वांट टू विलिंगली ओबे देम. तो जो एक अनार्किस्ट है एमा गोल्डमैन, वो बोलती हैं कि जो गवर्नमेंट है इट इज़ सिंबलाइज बाय द क्लब, द गन, द हैंडकफ और द प्रिजन. तो बोलते थ्रेट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, या द थ्रेट ऑफ द गन, ठीक है, के आपके जो थोड़े वायलेंट थ्रेट्स हैं ऑफ गन, हैंडकफ या प्रिजन, या थ्रेट ऑफ द इवन सोसाइटी के आपको इकोनॉमिकली या सोशली किसी भी तरह से आपको थ्रेटन करके कोई भी चीज़ मनवाना, ठीक है. तो थ्रेट करने के मींस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट इंडिविजुअल्स आर बेसिकली थ्रेटन्ड बाय द स्टेट इनटू एक्सेप्टिंग इट्स लॉज, ठीक है. अब जो नेक्स्ट थीम हम उठाते हैं वो है द आइडिया ऑफ नेचुरल ऑर्डर. यहाँ पे वो बोलते हैं कि अनार्किस्ट जो हैं, अब लिबरल्स का क्या एक नाइट वॉचमैन वाले स्टेट की क्या थ्योरी थी? दैट स्टेट इज़ अ नेसेसरी ईविल. ईविल है बट नेसेसरी है, ज़रूरी है एक अच्छी ढंग की लाइफ जीने के लिए. इसके अगेंस्ट अनार्किस्ट क्या बोलते हैं कि स्टेट ईविल तो है ही, बट साथ ही साथ ये एक अननेसेसरी इंस्टीट्यूशन भी है, ठीक है. अब विलियम गुडविन जब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं, ये बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स इसेंशली रैशनल और मॉरल क्रीचर्स हैं, और अगर तुम इनको एडुकेशन के थ्रू हेल्प करो तो ये अपने खुद के बेसिस पे एक मॉरल एनलाइटेंड जजमेंट ले सकते हैं, ठीक है. एंड जब इनमें ये कैपेबिलिटी है ऑफ मेकिंग दिस जजमेंट, तो वो खुद ब खुद एक ऐसी इस तरह से जिएंगे जो कि ट्रूथ एंड मॉरल लॉज पे बेस्ड हो, ठीक है. तो आपको एक्चुअली ज़रूरत नहीं है कोई किसी और को आके बताने की कि आपको कैसे जीना चाहिए. साथ ही साथ में गुडविन का ये मानना है कि जो ह्यूमंस है नेचुरली उनमें एक ये टेंडेंसी आती है कि वो अपनी लाइफ को कोऑपरेशन, हार्मनी और पीस की तरह से जिए, बिकॉज दिस इज़ इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है. तो इसीलिए जनरली ही humans are inclined to behave in this manner, ठीक है. साथ ही साथ में वो क्या बोलता है कि ये government और जो unnatural laws है, unnatural laws जो भी laws आप government के द्वारा बनाए जाते हैं, ये humans को corrupt कर देते हैं, and actual में कोई एक original sin नहीं है, ठीक है, but it is actually ये government and ये laws जो कि humans को अच्छे creature से बुरे creature बना देता है, who are pushed towards greed and aggression, right? So इनका मानना है कि अब आप देखेंगे कि at the heart of the communism एक बहुत ही एक ये optimism है, ठीक है, एक ये utopianism है कि humans जो हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं, एक अच्छी स्पीशीज़ हैं, राइट. तो इनके हिसाब से एक ये जो नेचुरल ऑर्डर है ये खुद ब खुद, इसको किसी और चीज़ की, किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी की, किसी के ऊपर के धक्के की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद फॉर्मुलेट हो जाएगा जहाँ पे कोऑपरेशन एंड पीस मैनिफेस्ट होगी, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, ठीक है. तो काफ़ी जो लोग हैं वो अग्री करते हैं विद रूसोज आइडिया दैट मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, और ये चेन्स किसने बनाई हैं? आपकी गवर्नमेंट एंड लॉज ने बनाई हैं एक्चुअली चेन्स, और ये जो इनइक्वालिटी, ग्रीड वगैरह जो चेन करके रखता है मैन को, ये नेचर का नहीं, ये गवर्नमेंट की देन है,
ठीक है, लेकिन डिस्पाइट दिस मॉरलिस्टिक व्यू कई ऐसे अनाकिस भी हैं जो कि बोलते हैं कि ह्यूमंस के अंदर दोनों ही तरह की चीज़ें हैं, अच्छी भी बुरी भी। तो कई बार जो ह्यूमंस का वो बोलते हैं कि इवन दो एट द कोर मतलब इसेंशली ह्यूमंस अच्छे लोग हैं, पर कभी कभी इनमें सेल्फिश और कंपेटिटिव टेंडेंसीज भी डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। बट अगेन इन सेल्फिश और कंपेटिटिव टेंडेंसीज को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मानना है कई अनाकिस का। अब एक और चीज जो आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है आपकी एंटी क्लेरिकलिज्म। अब जब हमने बोल दिया कि अनाकिस आर अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ अथॉरिटी, ये बेसिक एक व्यू है कि अनाकिस कोई भी कंपल्सरी तरह की अथॉरिटी हो उसके अगेंस्ट होते हैं। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइज रिलीजन। अब अनाकिस का मानना है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी को ऑफन रिलीजन लेजिटिमाइज करता है। ये दोनों ही एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं और एक दूसरे की लेजिटिमेसी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, राइट। साथ ही साथ डिसिप्लिन करने में भी रिलीजन का एक बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। गो बैक टू आपने फॉर एग्जाम्पल अगर मार्क्सिज्म में, न्यू मार्क्सिज्म हमने ग्राम्स्की में पढ़ा था, तो हेजेमनी मेंटेन करने में एक बहुत बड़ा हाथ कौन प्ले करता है? रिलीजन, ठीक है। तो रिलीजन एक मॉरल कोड बना देता है जिसमें वो बताता है कि कई ये चीजें आर गुड एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इविल, एंड लोगों का काम क्या है, ये जो हम गुड चीजें प्रमोट कर रहे हैं उसके हिसाब से जीवन जीना, राइट। तो इसी कारण कई बार जो अनाकिस है ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनाइज्ड चर्च के बहुत खिलाफ थे, इसके अगेंस्ट उन्होंने कई रिलीजन्स जैसे ताओइज्म या जैन बुद्धिज्म को की तरफ ये बहुत अट्रैक्टेड थे, बिकॉज ये रिलीजन्स क्या बोलते थे कि आप बाहर की तरफ देखने की जगह किसी और अथॉरिटी के थ्रू क्या नाम है अपना एक जो आप बोलते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप कहीं बाहर ना देखिए बल्कि इनवर्ड देखिए, ठीक है। तो एक ये पर्सनल इंसाइट की तरफ, अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ जो थोड़े होते हैं रिलीजन्स, ये उनकी तरफ अट्रैक्टेड थे, ठीक है। अब एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इनका सेंट्रल थीम था वो था द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट ही नहीं, ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक सिस्टम के भी अगेंस्ट थे ये। यहाँ पे आपके जो मिकेल बुकनिन है वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल पावर और वेल्थ जो है वो इनसेपरेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में जैसे हमने देखा फर्स्ट इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा अनाकिस और मार्क्सिस इकट्ठे ही मिले हुए थे, तो वर्किंग क्लास मूवमेंट के अंदर इन्होंने बहुत अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो सोशलिस्ट टेंडेंसीज काफ़ी थी आपके अनाकिस में। यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक रूलिंग क्लास होती है जो कि ओप्रेस करती है मासेस को, बट ये रूलिंग क्लास स्ट्रिक्टली उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक सेंस में नहीं समझी थी, पर जितने भी प्रिविलेज लोग होते उनके सेंस में समझी थी। अब बकुनिन ने क्या किया, उन्होंने सोसाइटी को तीन मेन सोशल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उन्होंने बोला एक वास्ट मेजॉरिटी होती है जो बेचारे एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर एक माइनॉरिटी ऐसी होती है जो कि बफर जोन टाइप होंगे, जो कि खुद भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं पर दूसरों को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। और एक सबसे छोटी माइनॉरिटी होती है जो कि सुप्रीम गवर्निंग एस्टेट है, ठीक है, जो कि एकदम ही बस दूसरों को ओप्रेस ही कर रहे हैं, दूसरों को एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं, खुद वो बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे जब आप इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं, इसके आगे बोलते हैं कि इसका फिर एंड गेम क्या होना चाहिए, क्या हमको प्राइवेट प्रॉपर्टी एकदम हटा देनी चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे दो मेन ट्रेडिशन डेवलप हो जाते हैं, एक तो थोड़ा कलेक्टिविस्ट ट्रेडिशन है, ठीक है, जो कि बात करता है कि हाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी हटा दो एंड कम्युनिटी बेस्ड कोऑपरेटिव बेस्ड ओनरशिप होनी चाहिए। वही एक दूसरा इंडिविजुअलिस्ट अनाकिस का ट्रेडिशन है जो कि मार्केट एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत इनकरेज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ अनाकिज्म जो हम देखेंगे। पहला है आपका फिलोसफिकल या इंडिविजुअलिस्ट अनाकिस, ठीक है। अब इनका बेसिक जो हमने पहले देखा था ना एंटी स्टेटिज्म में, बेसिकली इनके वही व्यूज़ हैं कि अथॉरिटी ऑफ स्टेट बुरी है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी बहुत अच्छी होती है, एक इंडिविजुअल है वो सेल्फ ओनरशिप है, उसकी कोई ड्यूटीज़ नहीं है टूवर्ड्स अदर्स, एंड जब भी वो अपने लिए जो अच्छा करेगा वो बेसिकली सबका अच्छा करेगा, ठीक है। यहाँ पे पीपल लाइक गुडविन स्टर्नर सब यहाँ पे आ जाते हैं, एंड स्टर्नर की एक ईगोइज्म की फिलॉसफी है जो कि
बेसिकली इंडिविजुअल को एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझता है. इंडिविजुअल एक मॉरलिस्टिक क्रीचर है, ठीक है, और जब भी वो कुछ भी करता है, कुछ भी चूज करता है, उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है अबाउट लॉज, सोशल कन्वेंशंस, रिलीजन, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है. बट साथ ही साथ में इंडिविजुअलिस्ट अनार्किस्ट एक ये भी चीज़ बोलते हैं कि अगर लोग इकट्ठे होके एक वॉलंटरी बेसिस पे एक कम्यून या कोऑपरेटिव कुछ भी बनाते हैं एंड मिलजुल के एक डिसीजन पे अराइव करते हैं, तो ये जो डिसीजन है ये मॉरली बाइंडिंग होगा बिकॉज ये पार्टिसिपेशन के थ्रू बनाया गया है डिसीजन. नेक्स्ट स्ट्रीम ऑफ अनार्किज्म है आपका सोशलिस्ट अनार्किज्म. अगेन ये कम्युनिज्म के टाइम साथ साथ डेवलप हुआ, ठीक है. अब ये वैसी ही शुरू की बातें करता है कि अगेन एक कलेक्टिव आपका जो गोल है वो कलेक्टिविज्म की तरफ है, एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी की तरफ है, ठीक है. इसके अंदर जो पहले इंसान स्कॉलर हम उठाएंगे वो है पीटर क्रॉप्टोकिन, जिन्होंने बात की है आपकी म्यूचुअल एड की, ठीक है. अब ये जो पीटर क्रॉप्टोकिन की जो थ्योरी है ये आगे है यहाँ पे, ठीक है. ये बेसिकली अगेंस्ट हैं जो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, या स्पेशली डार्विन की जगह जो हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट दी थी, ठीक है. अब इनकी थ्योरी क्या है कि कंपटीशन के थ्रू एवोल्यूशन होती है. क्रॉप्टोकिन इसको रिवर्स करता है और वो बोलता है कि एक्चुअल में वो स्पीशीज प्रोग्रेस करते हैं, वो स्पीशीज सर्वाइव करते हैं जिनके अंदर कैपेसिटी है टू कोऑपरेट, बिकॉज बेसिकली अगर आप कलेक्टिव एनर्जीज लगा के बढ़ोगे आगे तो आपके ज्यादा चांसेस है ऑफ सर्वाइवल, ठीक है. तो ये इसको ऑपोजिट कर देता है. साथ ही में अब एक और इंसान जिसको जो कि बहुत बड़े हिस्सा है सोशलिस्ट अनार्किज्म के, वो है पीजे प्रोडॉन, जिन्होंने अगेन हमने पढ़ा हुआ है पहले भी प्रॉपर्टी इज थेफ्ट ये स्लोगन दिया था, ठीक है. तो बट प्रोडॉन का क्या है, इन्होंने जब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंडेम करते हैं ये स्पेसिफिकली पोजेशंस को कंडेम करते हैं, ठीक है, ऑफ द रिच. बट ये बोलते हैं कि जो स्मॉल पेजेंट्स, क्राफ्ट्समैन, आर्टिजन्स हैं, ठीक है, इनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहनी चाहिए बिकॉज इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी और की एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड नहीं है बल्कि सेल्फ सफिशिएंसी के लिए ड्रिवन है, ठीक है. अब ये क्या चाहते हैं कि एक प्रोडक्टिव सिस्टम बेस्ड ऑन सेल्फ स्मॉल गवर्निंग कम्युनिटीज बने एंड इसका जो प्रोडक्शन का मेन मोटिव है वो नीड बेस्ड है, ना कि प्रॉफिट ड्रिवन, ठीक है. अब जो नेक्स्ट हम उठाएंगे वो है आपका अनार्को सिंडिकलिज्म. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, सिंडिकलिज्म बेसिकली ट्रेड यूनियनिज्म का बात है और ये फ्रेंच वर्ड सिंडिकेट से आया है. साथ ही साथ में सिंडिकलिज्म भी की जो मेन इंस्पिरेशन है वो है तो सोशलिस्ट आइडिया ही, बट ये स्टेट की जगह या किसी और अथॉरिटी की जगह या किसी और ग्रुप की जगह पावर किसको देना चाहता है, ट्रेड यूनियंस या वर्कर्स सोसाइटीज, वर्कर्स ग्रुप्स को, ठीक है. यहाँ पे बेसिकली वो बोलता है कि जो एक्चुअल में ओप्रेस्ड मासेस है वो कौन है, वर्कर्स और पेजेंट्स है, और जितने भी ओप्रेसिंग क्लासेस है वो है इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंडलॉर्ड्स, पॉलिटिशियंस, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है. तो अब ये बोलते हैं कि बेसिकली अगर वर्कर्स ने अपने आप को ओप्रेशन से बचाना है तो ज़रूरी है वो अपने आप को ये वर्कर्स ग्रुप, यूनियंस या सिंडिकेट्स में ऑर्गेनाइज कर ले बेस्ड ऑन पर्टिकुलर ग्रुप्स एंड प्रोफेशंस. अब इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर है वो है जॉर्ज सोरेल, ठीक है. अब सोरेल क्या बोलते हैं कि आपको, ये बोलते हैं कि बेसिकली आपको एक रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है थ्रू अ जनरल स्ट्राइक, और जनरल स्ट्राइक कौन करेंगे, ये सारे वर्कर्स या ट्रेडर्स यूनियंस, ठीक है. और ये सारे जो ट्रेडर्स यूनियंस है, ये सारे जो वर्कर्स यूनियन है, ये बेसिकली इनको इतना एक्सप्लॉयट किया गया है, इतना ज़्यादा इनको इनका बुरा हाल किया गया है, ठीक है, कि ज़रूरी है कि ये जो वर्किंग क्लास है वो एक पॉपुलर रिवोल्ट लाएं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा रिवोल्ट लाके ये जो ऑप्रेसिंग क्लास है उसको हटा दें, ठीक है. ये बहुत ज़रूरत है कि ये जो जनरल स्ट्राइक का एक आप पॉलिटिकल मिथ क्रिएट करो जो फर्दर वर्कर्स और ट्रेड यूनियन को मोटिवेट करेगा एक रिवोल्ट करने के लिए, एक इंसरेक्शन लाने के लिए अगेंस्ट द ऑप्रेसर्स. एंड ये जो वायलेंस है ये जस्टिफाइड वायलेंस है बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द ऑप्रेसिव एंड अनजस्ट वायलेंस जो कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंडलॉर्ड्स वगैरह इन पे कर रहे हैं, ठीक है. तो मोस्टली क्योंकि ये बहुत ही हर वर्कर्स के अगेंस्ट है एंड स्मॉल स्मॉल ग्रुपिंग्स है, तो इनमें देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी बिकॉज
एकदम ये जितने डीप जा सके सोसाइटी में उतनी एकदम ग्रास रूट लेवल पे फंक्शन कर रही है, एकदम जो लोग हैं जो जनरल मासेज है वही ये ग्रुप्स बना रहे हैं, राइट? एंड बिकॉज दे आर वर्किंग इन द सेम प्रोफेशन सेम इंडस्ट्री इसलिए इनके अंदर इंटरेक्शन भी बहुत है, ठीक है? तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है आपकी रेवोल्यूशनरी अनार्किज्म. ये अगेन कलेक्टिविज्म और इंसरेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है. मिकेल बिकनन इनके सबसे बड़े प्रोपोनेंट है और इन्होंने ये आइडिया दिया था ऑफ अ कॉन्स्पिरेटोरियल ब्रदरहुड. अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि वायलेंस ज़रूरी है और ये वायलेंस अगेंस्ट ऑप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन सही भी है एंड जस्टिफाइड भी है, ठीक है? क्योंकि ये जो वायलेंस है ये बेसिकली जो एवरीडे वायलेंस अकर हो रही है सोसाइटी में उसका जवाब है, राइट? तो ऐसी वायलेंस करनी जरूरी है अगर आपने अपने ऑप्रेसर्स को हटाना है. द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अनार्किज्म दैट वी पिक अप इज पैसिफिक अनार्किज्म. नाउ अगेंस्ट योर प्रीवियस रेवोल्यूशनरी अनार्किज्म जो कि वायलेंस को बढ़ावा देते हैं, ये जो अनार्किस्ट हैं ये वायलेंस को मिसगाइडेड समझते हैं. एंड इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ऑफ योर रशियन नॉवलिस्ट लियो टॉल्स्टॉय एंड सेकेंड ऑफ महात्मा गांधी. अब जो टॉल्स्टॉय हैं ये बोलते हैं कि अगर आपने सैल्वेशन अचीव करनी है तो बेसिकली गो बैक टू योर बेसिक ओरिजिनल क्रिश्चियन वैल्यूज जो कि आपको सिंपल लिविंग, सिंपल रूरल एग्जिस्टेंस, कोई ज़्यादा शो ऑफ, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें, कुछ नहीं, ठीक है? वापस तुम जैसे कि रशियन पेजेंट्री रहती थी ये कहता है कि वैसे ही रहो. तो टॉल्स्टॉय बहुत नोबल फैमिली से आए थे, उन्होंने सब कुछ गिव अप कर दिया था. उन्होंने इनफैक्ट उनको जो नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला था उसको भी छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं कुछ नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं जैसे पेजेंट्स रहते हैं वैसे ही रहूंगा. अब गांधी जो है, गांधी के अगेन रिगार्डिंग काफी डिबेट है कि आप इनको अनार्किस्ट मान सकते हैं या नहीं, ठीक है? तो अगर आप गांधी को ना भी अनार्किस्ट माने, बट गांधी बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अगेंस्ट था क्योंकि वो इनको एक वायलेंट इंस्टीट्यूशन मानते हैं एंड वो सत्याग्रह के आइडिया पे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस करते हैं ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस. और साथ ही में आपको याद होगा स्वराज एंड हम आगे देखेंगे हिज आइडिया ऑफ पंचायती राज विच वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन सेल्फ सफिशेंट स्मॉल विलेज रिपब्लिक्स, ठीक है? तो एक सेंट्रलाइज्ड वायलेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट गांधी भी हैं. लास्ट ट्रेंड जो है आपका अनार्किज्म में वो है लिबर्टेरियन अनार्किज्म. ये इंडिविजुअलिस्ट जो हमने पढ़ा था ना कि इकोनॉमिक फ्रीडम तो चाहिए बट कलेक्टिविस्ट हो या इंडिविजुअलिस्ट हो, ठीक है? तो ये इंडिविजुअलिस्टिक के प्रोपोनेंट्स है. ये बोलते कलेक्टिविज्म नहीं चाहिए, जब तुम बोल रहे हो कि ह्यूमंस अच्छे हैं, ह्यूमंस अपना भला सोच सकते हैं तो फिर ह्यूमंस को तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी भी दो, इंडिविजुअल्स का सोल कंट्रोल होना चाहिए ओवर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है? अब मोस्टली ये जो नए राइट के लोग आए हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं इकोनॉमी से एंड इकोनॉमी को वापस फ्री मार्केट फोर्सेस में लाना चाहते हैं, ये बेसिकली इसके अंडर आते हैं. रॉबर्ट नॉजिक अगेन ये बात करते हैं ऑफ अ मिनिमल स्टेट जिसका मेन फंक्शन क्या है, इंडिविजुअल राइट्स को बस बचाना, इससे ऊपर तुम्हारा कोई काम नहीं है. वहीं एफ ए हायक भी यही बात करते हैं कि बेसिक तीन फंक्शन क्या है आपके स्टेट के, डिफेंस, जस्टिस एंड प्रोटेक्शन. एंड जब यहाँ पे जस्टिस की बात हो रही है, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं हो रहा, ठीक है? यहाँ पे बस बात हो रही है कि जिसने अगर कोई क्राइम किया या कुछ किया तो उसको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए. किसी ने फ्रॉड किया तो उसके अगेंस्ट आपको कोई और फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम इकोनॉमी को करेक्ट कैसे करें, ये आपका काम नहीं है. ये बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी है ये इंडिविजुअल्स पे छोड़ दो एंड उनको जैसा करना है वो कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज़ डन ऑन अ वॉलंटरी बेसिस थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर्स, ठीक है? तो इंडिविजुअल्स फ्री हैं एंड मार्केट के अंदर जैसा भी चाहे वो कर सकते हैं और ये जो मार्केट है ये सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, वॉलंटरी अग्रीमेंट्स के थ्रू, सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू चलती जाएगी, राइट? तो ये थे आपके मेन आइडियाज ऑफ अनार्किज्म, ये थे मेन उनकी सेंट्रल थीम्स एंड मेन टाइप्स, राइट? In case of any questions, you can post them in the comments below. Again, वही दो chapters हैं GOBA के and political ideologies के. Please पढ़ लीजिए. We will also provide you the PDF and day after we can provide you some questions also from your ideologies वाला part. Right? So, thank you and please keep reading.